डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी जो है एक ऑक्सीजन टैंक और लगाया जा रहा है 10,000 लीटर की क्षमता का, तो बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी जाएगी, इससे कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने उसकी टैंक की साइट देखी है और जो टैंक को इंस्टॉल करेंगे वो पार्टी भी हमारे साथ आए हुए थे। कोशिश करेंगे कि उसकी डिलीवरी वीकेंड तक, संडे तक हम मंगवा लें टैंक की, तब तक हम इसका फाउंडेशन बना दें, हफ्ते के अंदर अंदर इसको ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तीन जगहों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि नगर निगम के कमिश्नर हैं विक्रम जी, उन्होंने जब दौरा किया तो उन्होंने देखा कि सेक्टर 13 और सेक्टर 6 लगभग पूरा ही जो है करना पड़ेगा, तो पूरा ही करने जा रहे हैं अब? बिल्कुल, वहाँ की जो RW है उनसे भी बात हुई है और ओपिनियन तो ये बनी है, उन्होंने सबने सहमति दी है कि सेक्टर 13 और 6 तो पूरे पे ही लॉकडाउन लगा दिया जाए। रामनगर का कुछ एरिया अगर जरूरत पड़ी हम आइडेंटिफाई करेंगे। इस समय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल के ऑक्सीजन जो यहाँ पर एक गोडाउन है वहाँ पर इस समय मौजूद है 10,000 लीटर का जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा रिफिलिंग जो पॉइंट है वो यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा ही एक और जो बड़ा गैस टैंक है, ऑक्सीजन गैस टैंक है, एक और बनाया जाएगा 2 से 3 दिन में यहाँ पर बन जाएगा। इसको लेकर जो है तैयारियों का जायजा लेने करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव पहुंचे थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इससे निश्चित तौर पर करनाल के सरकारी हॉस्पिटल हो, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल हो, यहाँ पर किसी तरह की कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि एक हमारा जो PNG का क्रिमेटोरियम है वो भी चालू है, मैं लोगों से आग्रह करूंगा क्योंकि कई लोग जो है कई बारी फोर्स करते हैं कि हमें जो है हिंदू रीति रिवाज से ही संस्कार करा जाए, तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जो PNG शवदाग्रह है उसका भी इस्तेमाल करें। हर एक शवदाह होने पर हम कम से कम 5 से 10 पेड़ इसमें बचा पाएंगे और जल्दी हमारे जो है क्रिमेशंस हो सकेंगे। तो लोग शुरू है जो अर्जुन के बिल्कुल बिल्कुल चालू है, मशीन बिल्कुल चालू है, मैंने चलते हुए उसको देखा भी है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के डिप्टी कमिश्नर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और किस तरह से कोविड से रिलेटेड सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी ना आने दी जाए, इसको लेकर करनाल जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर और किस तरह से तैयारियों का जायजा लेते हुए। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में और लगातार करनाल के तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो है पूरे एक्टिव मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की किसी भी कीमत पर किसी तरह की कोई कमी ना आने दी जाए, चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स हों। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऑक्सीजन का एक और बड़ा टैंक जो है कल्पना चावला में स्थापित किया जाएगा, लगाया जाएगा और आज या कल में उस टैंक को लगा दिया जाएगा ताकि अच्छी संख्या में जो ऑक्सीजन स्टोरेज है वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल में रहे। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पहले 10,000 लीटर का जो है एक टैंक यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी, जो अच्छी संख्या है, लेकिन कहीं ना कहीं इन फ्यूचर पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए एक 10,000 लीटर का एक और टैंक जो है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में इसी जगह पर लगाया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी करनाल में नहीं आने दी जाएगी और आप देख सकते हैं इसको लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर हों, करनाल के SDM आयुष सिन्हा हों, लगातार जो है इसको लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक और टैंक तकरीबन 10,000 लीटर का करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तभी परेशानी है, अगर ऑक्सीजन की कमी ना हो और तमाम बेड्स प्राप्त रहे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है करनाल के तमाम लोगों को प्रशासन का इस समय कोऑपरेट करने की। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और इसी जगह पर एक और ऑक्सीजन का
एक बड़ा टैंक जो है तकरीबन 10,000 लीटर की क्षमता का यहाँ पर लगाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की किसी भी कीमत पर कमी ना आने दी जाए। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार तमाम प्रशासनिक अधिकारी ऑक्सीजन की कमी हो, बेड्स की कमी हो, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी ना आने दी जाए। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो इस समय आप देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर सर हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को किसी भी कीमत पे आप देख सकते हैं कि पूरी किया जा रहा है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं लगातार करनाल के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करते हुए ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, सरकारी हॉस्पिटल्स हों, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी ना आने दी जाए। इसको लेकर 10,000 लीटर का एक और टैंक जो है यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसकी तैयारी में आप देख सकते हैं कि करनाल के तमाम प्रशासनिक अधिकारी कल्पना चावला का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में इस समय दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। 10,000 लीटर का एक और टैंक जो है कल्पना चावला में लगाया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार मीटिंगों के दौर जारी हैं ताकि ऑक्सीजन की किसी भी कीमत पे कोई कमी ना होने दी जाए। इसको लेकर 10,000 लीटर का एक और प्लांट लगाया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत में जरूर जो है कई जगह से देखने को मिल रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन करनाल प्रशासन, करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव हो, करनाल के SDM आयुष सिन्हा हो, या तमाम अन्य प्रशासनिक अधिकारी हो, करनाल के CMO हो, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो, लगातार जो है मीटिंगों के दौर कर रहे हैं। और लगातार हम आपको बताना चाहेंगे इस समय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल के ऑक्सीजन जो यहाँ पर एक गोडाउन है वहां पर इस समय मौजूद है 10,000 लीटर का जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा रिफिलिंग जो पॉइंट है वो यहां पर बनाया गया है। ऐसा ही एक और जो बड़ा गैस टैंक है, ऑक्सीजन गैस टैंक है, एक और बनाया जाएगा, 2 से 3 दिन में यहां पर बन जाएगा। इसको लेकर जो है तैयारियों का जायजा लेने करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव पहुंचे थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इससे निश्चित तौर पर करनाल के सरकारी हॉस्पिटल हो, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल हो, यहां पर किसी तरह की कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि आपने देखा था कि किस तरह से कल एक ऑक्सीजन बैंक के नाम से एक गाड़ी भी जो है करनाल उपायुक्त द्वारा जिला सचिवालय से जो है रवाना की गई थी ताकि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई भी फोन आता है कि उनकी ऑक्सीजन का बैकअप 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, तो तुरंत उनके पास जो है सिलेंडर जो है पहुंचा दिए जाएंगे। तो इस तरह की एक अच्छी शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं करनाल के जिला प्रशासन के अधिकारी। हमारी आप सभी से अपील है कि प्रशासन का कोऑपरेट करें, क्योंकि इस तरह की जो परेशानी है 15-20 दिन और रह सकती है। कहीं ना कहीं हमें सिर्फ प्रशासन का कोऑपरेट करने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स यहां पर रोजाना एक गाड़ी यहां पर आती है और किस तरह से ये तमाम ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह से जो है एक अच्छी जो है सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी जो है एक ऑक्सीजन टैंक और लगाया जा रहा है 10,000 लीटर की क्षमता का, तो बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी जाएगी, इससे कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने उसकी टैंक की साइट देखी है और जो टैंक को इंस्टॉल करेंगे वो पार्टी भी हमारे साथ आए हुए थे। कोशिश करेंगे कि उसकी डिलीवरी वीकेंड तक, संडे तक हम मंगवा लें टैंक की, तब तक हम इसका फाउंडेशन बना दें, हफ्ते के अंदर अंदर इसको ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब कल्पना चावला में खपत हमारी ऑक्सीजन की लगभग 9 से 10 हज़ार KG हो गई है दिन के, और इतने की हमारी टैंक की कैपेसिटी है। तो अब दिक्कत ये है कि हमें हर रोज़ जो है गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है और भरवाना पड़ता है। एक और टैंक लग जाएगा तो एटलीस्ट 2 दिन का हमारा बफर हो जाएगा और उससे हम बेड्स की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक हमने आज बात की है कि किस तरीके से कुछ कुछ सिलेंडर्स के जरिए, चूँकि अब हमारे हमने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज से सिलेंडर्स रिक्वेशन किए हैं, उठवाए हैं, 200 सिलेंडर्स हमने उठवा लिए हैं, तो सिलेंडर्स के जरिए हम कुछ 90 बेड हम जो है और कल्पना चावला में बढ़ाएंगे जो ऑक्सीजन बेड हैं। कल सुबह तक वो ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। आज रात तक हमारा 30-बेडेड ICU नया जो बना है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। और इसके अलावा एक हम ऑडिट कराएंगे जितने भी यहाँ बेड हैं, उस पर एक इंडिपेंडेंट टीम 3 डॉक्टर्स की बाहर से मंगा के वो ये देखेगी कि जो जो पेशेंट यहाँ एडमिट है क्या उनको वाकई एडमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार प्राइवेट अस्पतालों में भी, यहाँ भी हर जगह ये बात आती है कि
कि कुछ पेशेंट्स बस अपने डर को ख़त्म करने के लिए यहाँ बैठे रहते हैं, उनको एक्चुअली घर पे भी अगर भेज दिया जाए, वो ठीक हो चुके हैं तो घर पे भी ठीक हो जाएंगे। तो एक उसका हम ऑडिट कराएंगे हर एक पेशेंट का कि क्या उसको वाकई ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, और अगर नहीं होगी तो डिस्चार्ज करके घर भेजेंगे। क्योंकि लोगों से अपील करेंगे कि अगर यंग है, उनके लंग्स में ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, असर नहीं है, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, तो वो घर भी रह सकता है। अगर हॉस्पिटल में रहेगा तो और ज़्यादा बीमारियाँ या वायरस फैलने का भी कहने का खतरा रहता है, बगैर मतलब कि हॉस्पिटल भी ना आए वो। बिल्कुल, देखो कई लोग डर के मारे या फ्यूचर में बेड मिले ना मिले, इस डर के मारे जो है ये चीज़ करते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा हमेशा बेड मिलेगा। इस ग्राउंड पे अगर हम पहले से ही पैनिक में बेड ऑक्यूपाई कर लेंगे तो नेचुरली शॉर्टेज होनी स्वाभाविक है। तो ये हम इंडिपेंडेंट एक ऑडिट भी 3 डॉक्टर्स की टीम से कराएंगे, और हर समय जो है बेड्स अवेलेबल हैं, बेड्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। ICU बेड शुरू में जब हमने शुरू किया था तो पूरे जिले में 100 थे, अब लगभग 200 पार करके 210 220 तक जा रहे हैं, और आगे भी बढ़ाएंगे ICU बेड्स। डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि लोग जब डर जाते हैं, पेन में आ जाते हैं, तब ऑक्सीजन लेवल तब भी कम हो जाता है, इसका मेन कारण एक ये भी सामने आ रहा है। और दूसरा, अगर सुबह 5 से 7 बजे फ्रेश ऑक्सीजन में, शाम को 5 से 7 अगर छत या बालकनी में बैठे, कमरे में सिर्फ ना बैठे रहें, तो उससे भी शायद ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। निश्चित रूप से लोग पैनिक ना करें, घबराएं ना, तो निश्चित रूप से ज़्यादातर जैसे मैंने बताया हमारे 95% पेशेंट्स होम आइसोलेटेड हैं और ठीक भी हो रहे हैं। डेली हमारे इस करीब 550 से 600 पेशेंट्स रिकवर करते हैं, तो घर पे ही रहें और बिल्कुल जब सिचुएशन ख़राब हो तब जा करके एडमिट हुए। सर, अब ऑक्सीजन की भी कमी नहीं आएगी। अभी नीलबीजी ने भी जो है ट्वीट किया और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया कि 164 मेट्रिक टन से जो है 232 मेट्रिक टन जो है कोटा बढ़ा दिया गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा कोटा बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं कमी नहीं आएगी। बिल्कुल, 70 मेट्रिक टन एडिशनली हमें बोकारो से और बाकी जगह से मिल रही है, और वो हरियाणा में जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से, और इसी वजह से हम अपनी कैपेसिटी भी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सप्लाई अगर बढ़ जाए और अगर हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी ही ना हो तो सप्लाई, बढ़ी हुई सप्लाई का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम सिलेंडर्स भी परचेज़ कर रहे हैं, हमने रिक्विजिशन भी करे हैं, और अभी टैंक भी बनवा रहे हैं ताकि जब सप्लाई बढ़ेगी तो हमारे पास स्टोर करने की भी पर्याप्त क्षमता। सर, 3 जगहों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि नगर निगम के कमिश्नर हैं विक्रम जी, उन्होंने जब दौरा किया तो उन्होंने देखा कि सेक्टर 13 और सेक्टर 6 लगभग पूरा ही जो है करना पड़ेगा, तो पूरा ही करने जा रहे हैं अब? बिल्कुल, वहाँ की जो RWA है उनसे भी बात हुई है और ओपिनियन तो ये बनी है, उन्होंने सबने सहमति दी है कि सेक्टर 13 और 6 तो पूरे पे ही लॉकडाउन लगा दिया जाए। रामनगर का कुछ एरिया अगर ज़रूरत पड़ी हम आइडेंटिफाई करेंगे, और लोगों से अपील करूँगा। कल मैं सेक्टर 7 और 8 हम विज़िट करके आए थे, मैं और SP साहब गए थे, और बड़ी अच्छी तस्वीर देखने को मिली। 7 बजे के आसपास हम गए थे, रोड पे एक भी गाड़ी नहीं, कोई भी घूमता हुआ नहीं मिला, ना कोई शॉप खुली हुई मिली। तो अगर इस तरह के अनुशासन का पालन अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से 2 दिन तो निकल ही गए हैं सर, शेष 5 दिन और रह गए हैं लॉकडाउन के, साथ देंगे तो निश्चित तौर पर बिल्कुल हम कोरोना से जो है जल्दी निजात पा सकते हैं। तो आपने देखा कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हुए नजर आ रहे थे, और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल में यहाँ पर एक अधिकारियों के साथ जो है एक मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बात हो गई और रुड़की से आ रही है गाड़ी, मैं लगवा रहा हूँ। रुड़की से मिल जाएगी हमें, बट वो आएगी 4-5 बजे तक, तब तक हमारी है कैपेसिटी। नहीं भी आएगी तो फिर मैं तलवार से शिफ्ट करवा दूँगा कुछ और, तो तलवार के बाद। हमने यहाँ करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है। ये बेसिकली ऑक्सीजन बैंक है जिसमें 100 सिलेंडर डी टाइप के रखे होंगे, और किसी भी अस्पताल का कोई डिस्ट्रेस कॉल आता है कि उनके पास शॉर्टेज हो गई है ऑक्सीजन की, तो इमीडिएटली हम ये गाड़ी के ज़रिए वहाँ ऑक्सीजन भेज देंगे। हमने इसमें जो टाइम रखा है क्रिटिकल टाइम, वो 2 घंटे का रखा है। कोई भी अस्पताल जो ये कहता है कि हमारे पास 2 घंटे से कम की ऑक्सीजन बची है, वो इस गाड़ी को कॉल करे और ये गाड़ी तुरंत वहाँ पहुँचेगी और वहाँ ऑक्सीजन उतार देगी, खाली सिलेंडर उनके उठा लेगी। दिन के समाप्ति पे जो सारे खाली सिलेंडर इकट्ठे होंगे, इनको हम फिलअप कर लेंगे और अगले दिन से फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी एक 24 घंटे की ये गाड़ी जो है रोड पे रहेगी, और इससे हमारा प्रयास है कि कोई भी एक ऐसा पेशेंट ना हो जिसकी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ हो जाए, इसको रोकने के लिए सारा प्रयास किया गया है। क्योंकि काफ़ी सारी जिलों में, काफ़ी सारी जगहों पर इस तरह की खबरें मिली हैं कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से कुछ पेशेंट्स की जाने गई हैं, तो करनाल में हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। कमोपुरा में भी एक शमशान बनाया गया है, वहाँ पर अभी इसको लेकर संस्कार हो गए हैं। बिल्कुल, अभी वहाँ भी तैयारी कर रही की है हमने। एक हमारा जो PNG का क्रिमेटोरियम है वो भी चालू है। मैं लोगों से आग्रह करूँगा, क्योंकि कई लोग जो है कई बारी फोर्स करते हैं कि हमें जो है हिंदू रीति रिवाज से ही संस्कार करा जाए, तो मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि जो PNG शवदाग्रह है उसका भी इस्तेमाल करें। हर एक शव दाह होने पे हम कम से कम 5 से 10 पेड़ इसमें बचा पाएंगे, और जल्दी हमारे जो है क्रिमेशंस हो सकेंगे। तो लोग शुरू है जो अर्जुन के बिल्कुल चालू है, मशीन बिल्कुल चालू है, मैंने चलते हुए उसको देखा भी है,
अभी तक तो उसमें जो कोई लावारी शव हैं उनका शव दाह होता है। लोग नहीं मानते, आप चाहते हैं कि लोग माने? लोगों से बिल्कुल मैं आग्रह करूंगा कि वो जो पीएनजी पे जो ऑपरेशनल मशीन है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, एक अच्छा मैसेज दिया गया कि किस तरह से पेड़ पौधों को बचाना है। हर एक शख्स अगर इस चीज़ में आगे आएगा, जिस तरह से किसी भी मृत की मौत हो जाती है उसके बाद आप जो है आंखें डोनेट करते हैं, अगर इस तरह का एक संदेश अगर आप देंगे तो आप सोच सकते हैं कि 4 से 5 पेड़ बचाए जा सकते हैं, जो किस तरह से जो है काफ़ी किलो लकड़ जो है, काफ़ी टन लकड़ जो है लगती है संस्कारों में। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ की जाए तो अर्जुन गेट शिवपुरी में भी वहाँ पर एक ऑपरेशनल मशीन जो है शुरू हो चुकी है, जो मशीन के जरिए संस्कार किया जाता है। लेकिन काफ़ी लोग उसका इतराज़ करते हैं कि वह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही संस्कार कराएंगे, लेकिन अगर इसकी भी आप शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर इस चीज़ से जो है कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है, और जो हम एक फ्यूल जिसे लकड़ कहा जाता है वो काफ़ी संख्या में जो है बचा सकते हैं। तो हमारी अपील है उन तमाम लोगों से कि भगवान ना करे कि किसी के घर में भी कोरोना से कोई मौत हो, अगर भगवान ना करे अगर होती है इस तरह की डेथ होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से कि संस्कार आपका वहाँ पर ना हो और कहीं ना कहीं एक जो लकड़ है इस तरह से बचाई जा सके, पेड़ काटने पड़ते हैं। और कितनी एक अच्छा मैसेज दिया कि अर्जुन गेट शिवपुरी में जो मशीन है वो ऑपरेशनल हो चुकी है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वहाँ भी अगर परिवार अपनी इच्छा जाहिर करेगा तो वहाँ भी जो है उसका संस्कार किया जा सकता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने यह साफ कर दिया है क्योंकि कोरोना के केसेज लगातार बढ़ रहे थे और जितने भी जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग हैं करनाल के सेक्टर 13 और 6 के, उन्होंने खुद कहा है कि पूरे सेक्टर को सील कर दिया जाए, तो उसी को लेकर जो है पूरे सेक्टर को जो है आज से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। आज रात 12 बजे से सेक्टर 6 और सेक्टर 13 भी लॉकडाउन हो जाएगा, रामनगर का कुछ इलाका होगा। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब समय है समय प्रशासन का साथ देने की, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी प्रशासन किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगा, क्योंकि कल्पना चावला में जहां 10,000 लीटर का एक टैंक यहां पर लगा हुआ है तो एक और 10,000 लीटर का टैंक जो है यहां पर लगाया जा रहा है, जिसको जायजा लेने आज करनाल के उपायुक्त जो है निशांत कुमार यादव यहां पहुंचे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है, उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है, वीडियोस का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचे।